हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम अपडेट। आज मैं आपको लिए एक टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ, जो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का तैयारी स्पेशली कैसे किया जाए, क्योंकि वेटेज बहुत ही अच्छा है साइंस का। 25 मार्क्स सिर्फ साइंस के ही आने वाले हैं। और इससे पहले मैंने मैथ्स का एक वीडियो बना के आप लोग के ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ कि कैसे मैथ्स का प्रिपरेशन करें, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो आया हुआ है। और ये जो दूसरा वीडियो आपको आपके लिए कि साइंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 25 मार्क्स ओनली सिर्फ साइंस ही आने वाले हैं। तो एक एक करके मैं हर एक डाउट को आपको क्लियर करने वाला हूँ कि साइंस की कैसे प्रिपरेशन की जाए कि आपको 25 में से कम 20 प्लस तो आ ही जाएगा। तो आप उस स्टेप को फॉलो करिएगा। अभी आपके पास लगभग कम से कम तो 3 मंथ्स आपके पास है। अगर अभी से भी आप अगर तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आप अच्छे मार्क्स साइंस में ला सकते हैं। अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम होगा, आप लोग को पता, हम अगले वीडियो में भी बोले थे इससे पहले वाले, और अभी भी हो रहा है कि अक्टूबर तक एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि TCS एग्ज़ाम करवाने वाला ये कंफर्म है और अक्टूबर तक TCS PG है। तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, जब अक्टूबर तक TCS PG है तो कहाँ से करवाएगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम। और तो जाहिर सी बात है कि नवम्बर में ही एग्ज़ाम होगा, 10 नवम्बर के बाद ही एग्ज़ाम आपका ग्रुप डी का होने वाला था। ये ध्यान में लगभग आराम से 3 महीना आपके पास है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ये वो एग्ज़ाम होगा नहीं, तो ये फालतू वाली बात है। आप लोग डिमोटिवेट ना होइए, एग्ज़ाम होगा, ये पक्का है। एग्ज़ाम निकला है तो होगा, तो आप लोग घबराए नहीं, एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं कि टॉपिक पर कि साइंस की वो कौन सी बुक्स हैं, जो कौन सी बुकलेट है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला बुक जो आपको लेना ही चाहिए वो है ये, देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये बुक है। आपको जो देख रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है जो प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन इसमें शामिल है। पूरा अगर मेरे अभी कम से कम 75-80 मार्क्स अभी मेरे आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीजन साइंस में मेरे कम से कम 20 मार्क्स आ ही जाते हैं। और सबसे बड़ा यही एक बुक है जिससे मेरा एग्ज़ाम का मार्क्स बहुत अप हुआ है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल भी दिया है, और सबसे बड़ी बात कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है, एक टॉपिक क्लियर किया हुआ है। तो ये आप बुक एक ले लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और एक बुक हम आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा बुक है स्पीडी का। ये थोड़ा सा मेरे पास ओल्ड है लेकिन अच्छा है, क्योंकि न्यू वाले तो मेरे पास है ही ऑलरेडी। न्यू सिलेक्शन के क्वेश्चन यूथ में है, और थोड़ा सा ओल्ड वाला भी आ गया, तो ये थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन स्पीडी का। अगर आप लोग न्यू खरीद रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो स्पीडी का एक साइंस आप रखिए और ये दोनों किताब को फॉलो करिए, और कुछ नहीं। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक यूट्यूब चैनल्स मैं बताऊंगा, उनका वीडियो आप देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोग नीरज सर का नाम सुने होंगे, वाईफाई स्टडी के टीचर हैं, बेस्ट टीचर है साइंस का। आप उनका प्लेलिस्ट देख लीजिए, बहुत अच्छे टीचर है। इतना एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के तौर पर मैंने पूरा वीडियो उनका देखा हुआ है, इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि मतलब बता नहीं सकता। इसलिए हमें आपको फॉलो करने के लिए नीरज सर, 3 चीज़ फॉलो करने के लिए इनके, नीरज सर का पूरा वीडियो आप देखिए। जो वीडियो देख रहे हैं यूथ कंपटीशन से आप उसका क्वेश्चन कर लीजिए। और क्या क्या रैंडम क्वेश्चन किस में, स्पीडी में रैंडम क्वेश्चन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो रैंडम क्वेश्चन स्पीडी में दिया हुआ है तो वो आप कर लीजिए। और न्यूमेरिकल्स आपको यूथ से ही हो जाएंगे, उसमें यूथ में न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, तो आप न्यूमेरिकल्स का टेंशन नहीं लीजिए। सिर्फ कोई खास ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल्स उतना खास हार्ड नहीं पूछता है। तो ये 3 काम आप कर लीजिए, आपका 20-20 प्लस मार्क्स तो आराम से ही आएंगे। तो बस यही था, आप लोग को बताना चाहते थे कि कैसे साइंस में मार्क्स बढ़ाया जाए। तो इस 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं भरा तो फिर बात कहिएगा, क्योंकि मेरा इसको हुआ है तभी मैंने बोला है। बस यही था, अगले वीडियो में मैं अगले न्यू टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।